कल केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, ट्वीट उन्होंने किया, फिर डिलीट किया, उसके बाद फिर से उन्होंने वही ट्वीट किया। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नड्डा जी सबसे मुलाकात हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूं कि ये दो व्यक्ति हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक गुजरात के। दोनों 2029 को एम कर रहे हैं, जिसकी कहानी 27 से शुरू होती है। तो 27 और 29 एक साथ गुत्थम गुत्था है, ये वॉर ऑफ पोजीशन है। देखिए, आगे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सर, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह तार खड़े हो रहे हैं, बीते 17 जुलाई को जिस तरह से घटना हुई, उससे पहले जीतन मांझी की जिस तरह से हत्या हुई, आपका क्या कहना है मैं सर? लगातार, आज कोई नई बात तो मैं कहूंगा नहीं, लगातार एक बात कह रहा हूं कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार नाम की चीज होती है ना तो लोगों का भरोसा होता है। सरकार अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन अगर भरोसा शून्य पे पहुंच जाए तो वो उस सूबे के लोगों के लिए, आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल क्षण है, और बिहार उस उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है। सर, 20 तारीख को एक अभी रखा गया बिहार बंद का कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे देखो, में क्या सिर्फ कहना है? इसको विरोध प्रदर्शन ना कहिए। अगर जनता महफूज नहीं महसूस करती, सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो विपक्ष का क्या दायित्व तो बनता है? कमरे में बैठे रहे या सरकार को संदेश दे। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये हम सब जानने में असमर्थ है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी भिज्ञ हैं क्या हो रहा है बिहार में, या अनभिज्ञ हैं। अगर अनभिज्ञ हैं तो चिंता का विषय है, और अगर भीग गए हैं और तब भी ये हो रहा है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। सर, कर्नाटक सरकार का एक प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों को 100% आरक्षण देने का वो बिल कैबिनेट अप्रूव भी किया था, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने इसे होल्ड कर लिया है। देखिए, पूरे देश में मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को सोचना होगा। जो बेरोजगारी का आलम है, हर राज्य में ये मांग उठ रही है कि सर्टेन पोजीशंस पे ये लागू हो कि वहीं के स्थानीय होंगे। ये एक ऐसा मसला है जिस जो दो धारी तलवार है, लेकिन इसका निराकरण करना होगा। ये परिस्थितियां तब और विकराल हो जाती हैं जब पाई छोटा हो, नौकरियां हैं ही नहीं, और उसके बाद अगर आती भी हैं तो उसमें जिस तरह की विजुअल्स आप देखते हैं, चाहे गुजरात का हो, मुंबई का हो, मैं समझता हूं ये वेकअप कॉल है, और मैंडेट का भी ये मैसेज था। अगर इसके बावजूद भी पीठ थपथपाने में लगे रहे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी इन चीजों को कंटेन करना। पड़ोस का राज्य सर आंध्र प्रदेश है, वहां से प्राइवेट से सीधा ऑफर मिल रहा है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए अगर नहीं, आप देखिए, आओगे। ये निदान नहीं है। ये ऑफर मिल रहा है क्या? कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए ना कि केरल से ऑफर मिल रहा है, आंध्रा से ऑफर मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि इसको रिजॉल्व करना है। ये कब रिजॉल्व होगा? जब आपके पास पाइप बड़ा होगा, जब आपके पास रोजगार के एवेन्यू ज्यादा होंगे। पता नहीं क्यों सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है, बाकी सब रेंग रहा है। सर, एक मुद्दा जेपी में जो बयानबाजी चल रही है, कल सुवेंदु अधिकारी का एक बयान सामने आया था जिसमें कि वो सबका साथ सबका विकास जो कहा जाता है बार बार, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं हम उसके साथ जो हमारे साथ, हालांकि अब वो सफाई भी दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, सफाई क्या दें, वो उनका बयान सुना, हिमंत बिश्व शर्मा का बयान सुना, अलग अलग सूबे के लोगों को सुन रहा हूँ। प्रधानमंत्री को जी को शायद अच्छा लग रहा होगा, डॉग विसिल पॉलिटिक्स तो हो ही रही है ना, कि यहाँ बोलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहां लोग सीधे तौर पे मोर्चा खोल दें इसी देश के समुदायों के खिलाफ, इसी देश की कौमों के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी, ये जो आप विश्व गुरु और विशाल हृदय होने की बात करते हैं, ये सब बेमानी है। सर, जो हिमंता बिश्वा शर्मा की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में वो को इंचार्ज हैं और उन्होंने मुस्लिम आबादी के बढ़ने का जिक्र किया, सीता सोरेन के पति की हत्या का जिक्र करते हुए, उससे उन्होंने सब तमाम कनेक्शन जोड़ा और जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना है? नहीं, क्या गंभीर आरोप है, फूहड़ चीज है। हमारी राजनीति फूहड़ता के टनल में घुस गई है। जो जितना फूहड़ बयान दे उसका टीआरपी बढ़ता है। अब देखिए ना, प्रतिक्रिया ली जा रही है उनके बयान पर, मतलब
दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है इसकी चिंता नहीं है। मैं लेकिन दूसरी मेरी चिंता ज्यादा बड़ी है, गिरिराज सिंह जी को टफ कंपटीशन मिल रहा है, बेचारे परेशान होंगे। पहले तो एक अकेले ही कम से कम खुल के बोलते थे, अब तो कई लोग आ गए हैं कंपटीशन में, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि गिरिराज जी थोड़ा और धारदार बनाइए, मजा नहीं आ रहा। सर जो अलग अलग एजेंसी रिपोर्ट आती है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिसमें कि कहा जाता है कि ग्रोथ इतना परसेंट है, लेकिन जयराम रमेश ने निशाना साधा है, उनका कहना है कि इंडिया का जो लोएस्ट ग्रोथ रेट इस समय में चल रहा है उस साइकिल में इंडिया पहुंचा हुआ है, क्या कहना है? देखिए मैं आर्थिक मामलों में मेरा हमेशा मानना कि मेरी इस किताब में एक आर्टिकल 39 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अर्थनीति आर्थिक व्यवस्था कैसी है ना, इसके मद्देनजर पैरामीटर बना करके इवैल्यूएशन कर लीजिए, इनकम इनइक्वालिटी का क्या आलम है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगे, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। एक सर सवाल और है अपना, और ये सवाल भी आरक्षण से जुड़ा हुआ है, अग्निवीर योजना के तहत को नौकरी मिलती है और जब वो निकलते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया, उन्होंने घोषणा की है कि उन सभी को राज्य में कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड इनकी नौकरी में 10% का रिजर्वेशन दिया जाए। ये वो ये देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है, पहले हमारे कुछ CISF CRPF से कहवाया गया, अब नायब सैनी साहब से कहवाया जा रहा है, ये रेजोल्यूशन नहीं है मुद्दे का। मुद्दा क्या है कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए जवान वो 4 साल नौकरी के लिए नहीं तैयारी करते हैं, पुरानी व्यवस्था बहाल हो। अब आप क्या कर रहे हैं ना कि जो गड्ढा है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं।